हेलो हेलो। हाँ नमस्कार मैम, जी, नमस्कार। मैं कौन बोल रहे हैं? प्रताप राठौर बात कर रहा हूँ इंडिया एक्सप्रेस से। जी जी आज आपका समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट फाइनल हुआ है, तो उसमें चुनाव में जी क्या-क्या मुद्दे रहेंगे आपके? जी बेरोजगारी, गन्ने का सही भुगतान और महिलाओं की सुरक्षा, जी और यहाँ पर जो गरीब महंगाई इतनी बढ़ गई है, जी यही सब हमारे मुद्दे रहेंगे। अच्छा, जो जयंत चौधरी जी हैं उन्होंने गठबंधन को अलविदा कह दिया है, तो आप कितनी चुनौती आप इसके वो मानती हैं चुनाव जी में? देखिए, चुनाव लड़ने का नाम है और लड़ाई के वक्त तरह तरह की चुनौतियां होती हैं, तो कई चुनौतियां आती हैं, कई पड़ाव आते हैं जिनको पार करना पड़ता है। तो ये भी एक चुनौती है जो सामने आई थी, और इसको भी हम मजबूती से लड़कर भरपाई करने की कोशिश करेंगे। जी बीजेपी से अब सीधी टक्कर रहेगी आपकी, बीजेपी के जी कैंडिडेट अभी अभी क्लियर नहीं हुए हैं, बीजेपी से टक्कर, तो जी कितनी चुनौती आप मानती हैं कि चुनाव में किस तरीके से रहेगी आपकी? देखिए, चुनाव जैसा मैंने कहा, लड़ने का नाम है, और जिससे भी हमारी सामने की टक्कर रहेगी, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के कोई कैंडिडेट आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लड़ाई सीधी भाजपा से है। तो बस उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे लोग, जिनका उत्पीड़न 10 साल में ये डबल इंजन की सरकार कर चुकी है, सब लोग त्रस्त हैं और सब तैयार हैं। जी आपने अभी किसानों की बात की, किसानों को लेकर आप देखते होंगे अभी सिंघू बॉर्डर, शंभू बॉर्डर और उसमें दिल्ली की तरफ जो बॉर्डर्स हैं उस पर किसान डटे हुए हैं और जी एमएसपी की मांग कर रहे हैं, तो आप कहाँ तक का मानती हैं कि एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए? मोदी सरकार से लगातार प्रोटेस्ट भी किसान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम ये गूंगी बहरी सरकार है ना, तो ये किसानों की बात करती है ना, उनकी सुनवाई होती है सरकार में, और हर बार इसी तरह अपनी मांगों को लेकर लोगों को सारे काम काज छोड़कर धरने देने पड़ते हैं। ये बेहद शर्म की बात है, और ऐसी सरकार को जो जिससे अपनी करतूतों से सीख नहीं मिलती, हटाने में ही फायदा है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और उनकी सुनवाई सबसे पहले मेरे ख्याल में होनी चाहिए थी। ये पूंजीपतियों के लोन माफ करने में जरा देर नहीं लगाती है सरकार, लेकिन जब किसानों की बात आती है तो उनके हितों के लिए कभी सरकार आगे बढ़कर उनकी मदद नहीं करती। तो इसलिए हमें लगता है कि वैसे तो सुनवाई होनी चाहिए, पर अगर नहीं होती है तो हमें सरकार को ही हटा देना चाहिए, उसी में किसानों का फायदा है। जब किसानों की बात करें तो गन्ना भुगतान की एक बहुत बड़ी समस्या है सभी जिलों में, किसानों का गन्ना का जो बकाया पेमेंट है वो नहीं मिल पा रहा है, तो अगर आप आते हैं तो उसमें क्या आपके क्या मुद्दे रहेंगे किसानों के लिए, क्योंकि बकाया भुगतान को लेकर किसान हर बार धरना प्रदर्शन ये सब चलता रहता है। जी, जी कई धरना प्रदर्शन के हम भी साथ रहे हैं, जी और यहाँ हमारे इलाके में जब भी होता है तो हम लोग सब साथ देते हैं, और किसानों की लड़ाई हम हमेशा लड़ने का काम करेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। बाकी जो उनके हक हैं वो सरकार को देने, सरकार का फर्ज है उनको देना, और अगर सरकार नहीं देती है तो मजबूती से हम लड़ाई लड़ने का, अपनी बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? जब आप चुनाव में प्रत्याशी हैं तो क्या संदेश आपका रहेगा जनता के लिए? जी जी मेरा यही है कि लोग सभी मिलजुल कर, सब त्रस्त हैं और सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि क्या इस सरकार में हो रहा है, क्या चल रहा है, और उसके विरोध में अब ये मौका हमारे हाथ लगा है, तो सरकार को हटाने के लिए इस मौके को ना गंवाएं, सब लोग एकजुट होकर और इस चुनाव को लड़ने और जीतने का काम करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया एक्सप्रेस 24/7 धन्यवाद, बात करने के लिए। धन्यवाद।